बेटा फोन दिखाइयो, मेरी बात करवा दे अपनी नानी सु। मम्मी मैं आज खाना भेजू, बाद में बात कर लीजो। या बाद में कर लीजो, बाद में कर लीजो, सुड़ सुड़ के ना 6 महीने हो गए आज तेरी नानी सु बात न कर पाई हूँ मैं। ए मम्मी कहा तुम भी हमेशा फोन के पीछे पड़ी रहो। ज्यादा जुबान मत चला, फोन मिला के दे, तेरी नानी सु बात करनी है मुझे। ठीक है करवा रहा हूँ, पर एक काम करियो जल्दी बात कर लीजिए, ठीक है मैं और काम भी है। हेलो मम्मी नमस्ते। मम्मी मैं बालकन सु इतनी परेशान हो गई हूँ ना, 24 घंटा या फोन में ही लगे रह हुए, 1 मिनट को फोन ही न देते, यही मारे मैं तुमसे बात न कर पाती। वही हमारी कल की दौरानी, वहाँ ने तो लाज शर्म ही छोड़ दी कती, मतलब हमारे ससुरे के सामने ना नुई घूंघट ठाए डोली जा, बिल्कुल भी शर्म न है। मैंने तो कह दी एक दिन, मैंने कहा बीवी थोड़ी घूंघट वूंघट कर लेकर, तो नू कह रही बुढ़ा होगा 80 साल का या का दिखाई देवे, मैं ना करूँ घूंघट वूंघट, हद कर रखी है कतई। मम्मी मोते या घर की न समझ आती, मैं कितना भी बढ़िया काम कर दूं, कुछ भी कितनी मेहनत कर लूं, हमारी सास कभी हमारी तारीफ ही न करती, और वो छोटी वो कितना भी गलत काम करे ना वाकी बुराई नहीं सुन सकती, मतलब बहुत ही ज्यादा घनी पट रही है सास बहू की आजकल, वही जमाना बहुत खराब आ लिया मम्मी। और वे ना है बीवी शिमला हमारी पड़ोसन, उनकी किसी रिश्तेदार की छोरी ना कहीं लोन डग गेल भग्गी, फिर बाद में ना उनकी मोटरसाइकिल बंद होगी, तो उनके पापा जाके पकड़ के ले आए और कहा, बाद में पता पड़ी कि लोंडा ने 30 कोई तेल गिरवाया स्प्लेंडर में, ना तो लोंडिया थाईलैंड में ही मिलती। परसों सरलाहर आई घर सूट मांगने, मैंने दे दियो, कल मोर जूस निकालने वाली मशीन की जरूरत पड़गी, तो मैं वहां के गई तो नू कह रही यहीं आके निकाल ले जूस, घर ले जाके कहा करेगी, मैं निकाली ना मैं अपने घर आ गई, आज सवेरे आ गई झाड़ू मांग, मैंने भी कह दी यहीं आके मार ले झाड़ू, घर ले जा कहा करेगी, और कहा मुंह बढ़ाए चली गई। अरे मरन दो हमें कहा मतवल। मम्मी बहुत देर हो गई है, फोन दे दो मेरा। मम्मी या औलाद है ना, सांस भी ना आती बिना फोन के, मैं तुमसे कई और दिन बात करूंगी, ठीक है? हाँ बता। अरे मम्मी कदी तो ढंग की बात कर ले करो नानी सु, मो पता भी नहीं चलती नानी सु बात कर रही हो, किसी के घर के बंटवारे न करवा रही हो, आज के बाद अगर नानी सु बात करनी हो ना तो नू मत कहियो मेरी बात करवा दे, नू कहियो थोड़ी बुराई करवा दे, बुराई करो तुम फोन पे। अच्छा और कहा बात करूँ मैं, घर बार की बात करी जावे, इतने दिन में तो बात करी है मैंने। मम्मी जब तुमने इतने दिन में बात करी नानी सु, तो उनसे नू पूछ लेती मम्मी कैसी हो, तबीयत ठीक है, घर में सब कैसे हैं, आओ कभी घूम जाओ हमारे घर, पर ना सर लार की कुतिया भग्गी उनकी लौंडिया भग्गी, यही बातें रहे तुम हमेशा। ज्यादा अंग्रेजी मत ना पढ़े, तेरे बाप सु तेरी बुराई करके ना ये फोन छिनवा दूंगी, चला जाए यहाँ से। ठीक है जाता रहूं।